हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से सीखने वाले हैं। पर आज मैं आपको मेरी हनीमून की स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ, तो थोड़ा अपन क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज शायद आपने नाम सुना होगा, और अगर कभी भी जिंदगी में नहीं सुना तो भी कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको जीरो से पूरा ये सिखाने वाला हूँ। लेट्स गो बेटा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। डू लाइक शेयर दिस वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भैया आपको ये चीजें हेल्पफुल हो रही है। फ्री चीजों के लिए स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए अमेजिंग थिंग्स वहां से मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि लोग आ गए क्या, ताकि अपन शुरुआत करें। What is the bills of exchange? सबसे पहले वो जानना बहुत जरूरी है कि भैया, चलो चैप्टर का नाम तो ठीक है, चैप्टर का नाम तो है bills of exchange, बट भैया ये है क्या? हमें ये तो पहले समझाइए, फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले प्रैक्टिकली अपन देखते कि भैया bills of exchange है क्या, ठीक है? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर अपन बात करें तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे करनी होगी, वो सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। अब पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ, जिसका आपको वेट इंतजार है कि भैया पहले स्टोरी शेयर कर दो, पढ़ना तो होता रहेगा, है ना? तो पहले मैं आपको स्टोरी शेयर कर देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, पढ़ाई भी करने वाले हैं। ये स्टोरी आपको जरूर से सुननी है, जिससे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। देखो भैया, हम गए हनीमून के लिए शिमला मनाली गए थे, ठीक है? अब शिमला मनाली जाते तो शायद आपको पता होगा, अगर गए होंगे, अगर नहीं गए तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एक मॉल रोड करके, अब वहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग की सारी चीजें मिलती हैं। भैया आपने को पहले से ही पता था कि इस रोड पे जाना ही नहीं है अपने को, ठीक है? आपने डिसाइड करके रखा उसको जाना ही नहीं है, बट क्या करे भैया, एक प्लेस को जाना था, उस प्लेस के बगल में ही था वो मॉल रोड, ठीक है? मतलब जाना तो अभी पड़ता, कि अपने को पता था भैया कि वहां पे अगर बगल में पड़ रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा, बट मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था कि मेरे पास कितना पैसा है और मुझे कितना खर्च करना है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं पूरा चल रहा था। हम भैया घूमने गए, बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे थे, ठीक है? जितनी स्टोरी बतानी होगी उतनी बताऊंगा, ठीक है? तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि भैया और मजा आएगा, और मजा आएगा, ठीक है? वहीं तक बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहे थे भैया, हम घूमने तो गए, ठीक है? तो मॉल रोड पे गए, फिर मॉल रोड बाजू में था तो वहां पे हम घूम रहे थे। तो मैं ना दूर ही चल रहा था, शॉप से मैं दूर ही चल रहा था, और उसमें भी अगर लेडीज की कोई आइटम आ रही है भैया, वहां पे स्पीड ही बढ़ा देता था, सेकंड गियर में चल दो, सीधा फोर्थ पे चलो भैया, यहाँ पे रुकना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वैसे भी जेब खाली होने वाली है, तो बेटर चीज है कि वहां पे स्पीड में चलो। बट क्या करें, कॉस्मेटिक की शॉप आई, बहुत अच्छी अच्छी चीज है उसने बाहर टांगे रखी थी, मतलब एकदम से अट्रैक्टिव, अगर कोई भी लड़की देखेगी तो लगेगा नहीं भैया इस शॉप में तो जाना ही जाना। तो भैया क्या हुआ, मेरी वाइफ ने देखा वो शॉप, बाहर से बहुत अच्छा लगा मेरे को, पूछे कैसी है ये सब चीज़, मैं बोला अच्छा है, ठीक है चलो आगे चलते। कि नहीं 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 रुको रुको रुको, जाना है, अंदर जाना है भाई, ठीक है? तो मैंने कहा नहीं यार, चलेगा बाद में आ जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, अभी टाइम नहीं है, आगे भी जाना है, घूमने जाना है। तो कह नहीं, घूमना होगा बाद में, पहले शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब यार मैं वहीं पर डर गया, मैंने डिसाइड कर लिया भैया जाएंगे तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी चीज़ें बताएंगे ना ऐसे बोले ठीक है अच्छा है, मतलब ऐसे अच्छा बोलेंगे बट एक्सप्रेशन ऐसे देंगे कि सामने वाला परचेज ही ना करे। तो उस इंटेंशन से मैं अंदर गया उनके साथ, हम दोनों वहां पे मतलब काफी सारी चीजें देख रहे थे, अलग अलग चीजें देख रहे थे, चीजें भैया देख रहे थे, और मेरे को पता चला आई ला ये शॉप वाला कौन है, मैंने तो देखा हुआ कहीं तो देखा हुआ है, फिर मेरे को पता चला आई ला ये तो अनुराग है भाई, ये तो अनुराग है जो मेरे से सीए फाउंडेशन सीए पे फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, ये तो अनुराग है। हाँ मजा आ गया, मतलब मैं दिमाग दिल से खुश हो गया, जो परचेज करना है करो, अब तो पैसा तो देना ही नहीं, ठीक है? क्योंकि ये कौन है भैया, ये तो अनुराग है, अपना स्टूडेंट है, ये थोड़ी ना पैसा लेगा। तो मैं ये सोच के भैया अब तो जो लेना है ले लो, ठीक है? तो अब हुआ क्या, मेरी वाइफ को एक चीज पसंद आ गई, ठीक है, कॉस्मेटिक की चीज 3,000 रुपए की। अब मेरे पास ना उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मतलब मैंने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से मैं 3,000 उस टाइम पे नहीं निकाल सकता था। अब मैंने बोला कि अनुराग जाना मेरे को पहचाना, बोल रहा है हाँ आपकी शक्ल कहीं तो देखी है बट याद नहीं आ रहा, ठीक है? फिर मैंने उसको याद दिलाया भैया अकाउंट बढ़े हो कि नहीं बढ़े मेरे से, अरे हाँ भैया अकाउंट बढ़े थे भैया आपसे, तो बहुत मजा आया था अकाउंट बढ़ के, ठीक है? अभी भी मेरे को सारे कॉन्सेप्ट याद है,
ठीक है चलो, अब इसी बहाने मेरी वाइफ को ये चीज पसंद आ गई तो मैं कितना दूं? अरे नहीं, लेना तो पड़ेगा। तो बोला भैया मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बोला ही नहीं, मैं ना ही नहीं बोला, दे दो 3,000 पूरे के पूरे। अब मैं, मेरे को लगा अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो वो शायद ऐसा बोलेगा नहीं नहीं भैया आपके नहीं लेने पैसे ये वो, कि नहीं। ए मैंने बोला ठीक है यार कुछ कम कर दे इसमें, ठीक है। तो बोला हाँ भैया चलो 10% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है 10% डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने बोले यार 10% से क्या होगा, मुझे लगा तो 10% मांगेगा और 90% डिस्काउंट देगा। नहीं भैया ये नहीं होगा, ठीक है तो ये नहीं होगा। कि मैंने बोला एक काम करते हैं, सुनो अब एक काम कर दे, तू मेरे को जानता है अच्छी तरीके से, मैं तेरे को जानता हूँ, ठीक है तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? बोला नहीं है। अब मेरा यार थोड़ा सा भरोसा है यार, ठीक है अभी मैं प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है तेरे पास, तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा कभी भी, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा बाद में। तो नहीं बाबा नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। बट मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करे, प्रोडक्ट पसंद आ गई है मैम को, अब उनको लेनी ही है, ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है तो करे क्या। उन्होंने बोला कि भैया आपने ना एक चैप्टर सिखाया था मेरे को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है? मैंने बोला हाँ याद है, मेरे को तो याद है, तेरे को याद है? हाँ ये पूरा का पूरा याद है भैया। एक काम करते हैं, मैं ना आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है मतलब मैं उसमें लिख देता हूँ एक चिट्ठी में कि प्रत्येक भैया को मेरे को 3,000 रुपये देने हैं, आप उसमें नीचे साइन कर दो यस करके, अगर आपने नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैंने बोला अरे भाई मेरे पे भरोसा नहीं है। बोला भैया सुनो, ठीक है टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अलग जगह, मेरा बिजनेस अलग जगह, दोनों को मैं बीच में नहीं लाता। ठीक है यार इसको तो काश की बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दिन ना इसको ना उसको क्लास से निकाल दिया होता तो अच्छा रहता मेरे लिए, बट अब क्या करे, अब क्या करे भैया, पैसा मेरे को देना पड़ता। अब मैंने उसको बोला ठीक है अभी तो मेरे पास नहीं है, एक काम करते हैं तू जो बोल रहा है ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन हुआ क्या, सुनो ये भैया अगर अपन बात करें, ठीक है अगर अपन यहाँ पे बात करें, दिस इज अनुराग, ठीक है और ये कौन है भैया? मैं प्रतीक। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे बेटा बायर कौन है? बायर, हु इज बायर? मैं हूं, यानी कि मैं क्या हूं भैया? मैं यहाँ पे हूं बायर। ये क्या है? अनुराग है भैया सेलर। ओके यहाँ पे डेटर कौन है भैया? डेटर किसको पेमेंट करना है? डेटर कौन है भैया? प्रतीक है डेटर। क्रेडिटर कौन है? ये है भैया क्रेडिटर। में लिखा होता है कि प्रतीक को अनुराग को पेमेंट करना है, ठीक है उसमें अनुराग की साइन होगी, मेरी भी साइन होगी, ठीक है दोनों लोगों की क्या होगी भैया? यहाँ पे साइन होगी, ठीक है यहाँ पे साइन कर दी, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रतीक को अनुराग को पेमेंट करना है। ये बिल जो है वो कौन बनाता है? ये बिल बनाता है अनुराग। अनुराग एक बिल बनाता है और ये किसको भेजता है? ये भेजता है प्रतीक को देता है। उसने क्या किया, एक चिट्ठी निकाली उसमें सारी चीजें लिख दी और बोला कि भैया आप साइन करिए। इसमें साइन कौन करेगा? मैं करूंगा एक्सेप्ट करने के लिए, और साइन करके मैं इसे क्या करूंगा, अनुराग को वापस करूंगा। मुझे ये बताइए कि यहां तक का ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया? मुझे ये बताइए क्या यहां तक का ट्रांजेक्शन समझ में आ गया आपको? ओके थोड़ा सा लेग हो रहा है। ओके नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके अभी नेट सही है, अभी सही है नेट। ओके अभी सही आ रहा है, आई एम सॉरी थोड़ा सा बीच में सही नहीं चल रहा था, अभी सही चल रहा है। हाँ तो ये ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? अनुराग ने सेल किया, वो है सेलर, ठीक है प्रतीक है बायर, ये अनुराग क्या है भैया? क्रेडिटर है। प्रतीक क्या है? डेटर है। अब पैसा किसको लेना है? अनुराग को। तो अनुराग ने क्या किया, एक बिल बनाया, ठीक
प्रतीक को दिया, प्रतीक ने एक्सेप्ट किया, वापिस अनुराग को दिया। यानी कि ये ड्रॉ किसने किया, ये बिल किसने ड्रॉ किया? भैया ये जो बिल है ना, ये जो बिल है वो ड्रॉ किया अनुराग ने। तो अनुराग क्या बनेगा? ड्रॉवर बनेगा, ड्रॉवर, ठीक है। और किसके ऊपर ड्रॉ किया? प्रतीक के ऊपर, तो वो बनेगा ड्रॉई, ड्रॉई, ठीक है। जिसने ड्रॉ किया उसे बोलते हैं बेटा ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया उसे अपन बोलते हैं ड्रॉई। अभी एकदम से परफेक्ट चल रहा है ना, ठीक है, चलो ड्रॉवर और ड्रॉई बोलते हैं। अब देखो यहां पे अपने को कुछ और चीजें भी सीखनी है बेटा। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई बोलते हैं। अब ये जो बिल है ना, बिल, ये अनुराग के लिए बनेगा बिल्स रिसीवेबल। क्या है भैया? बिल्स रिसीवेबल, क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। और प्रतीक के लिए बनेगा बिल्स पेबल। यानी कि अनुराग के लिए बिल्स रिसीवेबल, नाम से पता चलता है कि बिल से कुछ अमाउंट रिसीवेबल है, इसलिए बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। प्रतीक को इस बिल को पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए प्रतीक के लिए क्या बनेगा? बिल्स पेएबल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? बिल्स पेएबल बनेगा। अब देखो इस सिचुएशन में पैसा किसको मिलने वाला है? भैया इस सिचुएशन में पैसा मिलेगा अनुराग को। तो जिसको पैसा मिलता है उसे अपन बोलते हैं पेई। क्या बोलते हैं बेटा? पेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेई। जिसको पैसा मिलता है उसे अपन बोलते हैं पेई। अब देखो बिल्स पेएबल की बात करें तो बिल्स पेएबल के साथ सिर्फ एक ही काम हो सकता है, दैट इज पेमेंट। क्या हो सकता है? पेमेंट, सिर्फ एक ही काम हो सकता है, एंड दैट इज पेमेंट। या फिर क्या होगा? या तो होगा और डिसऑनर, या तो पेमेंट होगा या तो डिसऑनर होगा, ठीक है। पेमेंट मतलब ओनर का मतलब ये होता है कि आपने उस बिल का पेमेंट कर दिया, डिसऑनर मतलब आपने उसका पेमेंट नहीं किया। ये दो चीज में से एक ही चीज में कर सकता हूं, मैं प्रतीक हूं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? सिर्फ एक ही चीज बेटा कर सकता हूं, ठीक है। बट अगर हम बात करें अनुराग के बारे में, तो अनुराग के पास इस बिल के लिए, इस बिल के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है भैया? चार चीजें अवेलेबल है। कितनी चीजें? चार चीजें कर सकता है अनुराग। अनुराग इसमें से कुछ चार चीजें कर सकता है। ये चार चीजें कौन सी है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बता देता हूं। अनुराग चार चीजें कर सकता है। सबसे पहली रिटेन, मतलब वो क्या करेगा? अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने पास रखेगा, और फिर क्या करेगा? जब भी ये बिल का एक्सपायरी होगा तब ये पेमेंट ले लेगा। भैया बिल की एक्सपायरी मतलब समझ में नहीं आया बेटा। देखो जब ये अनुराग ने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने बोला सर बिल साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, उसको वापस दे दिया। उस बिल में एक टर्म लिखा होता है कि भैया प्रतीक जो है वो 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। कितना? 3 मंथ्स के बाद। कितने? 3 महीने के बाद। तो अनुराग या तो 3 महीने तक रिटेन कर सकता है, यानी कि अपने पास ही रख सकता है। अगर अनुराग को ऐसे काफी सारे बिल आते हैं, दिन में काफी सारे बिल आते हैं भैया अनुराग को, ठीक है, अब अनुराग को याद नहीं रहता कि 3 महीने कब कंप्लीट हो गए, कब उससे पेमेंट लेना है, तो अनुराग ने क्या किया? बैंक को कॉल किया। अभी भी लेग हो रहा है थोड़ा बहुत? ओके, अभी सही चल रहा है। यस, लेट्स गो बेटा। तो अनुराग ने क्या किया, ठीक है, ये 3 महीने का बिल हो गया। अनुराग ने क्या किया? अनुराग को काफी सारे बिल मिलते थे, तो अनुराग ना भूल जाता था उसको कलेक्ट करना, उसका पैसा कलेक्ट करना। तो अब इतने सारे उसके पास बिल आते थे, वो भूल जाता था। उसने अपने बैंकर को कॉल किया, बैंक सुन भाई, ठीक है, मेरे ना बिजनेस अकाउंट आपके अकाउंट आपके वहां पे है? हाँ है, ठीक है। तो मैंने, मेरे पास ना काफी सारे बिल आते हैं, बट उसका कलेक्शन मुझे सामने वाले से करना मैं भूल जाता हूँ। एक काम करूंगा मैं आपको ना, डेली आप ना एक बंदे को भेज दीजिए करिएगा, या एवरी 5 डेज या 7 डेज के बाद मैं अपने कोई बंदे को भेजूंगा और वो आपको क्या करेगा? बिल दे देगा। उस बिल को आपको रखना है, जैसे जैसे मैच्योरिटी डेट आती जाए आपको सामने वाले पर्सन से पैसे लेते जाना है, ठीक है, और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना।
ठीक है। तो अभी इतना काम आपको क्या करना है, इतना काम बैंक को करना है, ठीक है, इतना काम किसे करना है, बैंक को करना है। अब बैंक को क्या करना है, ये काम करना है। अब मेरे को ये बताओ, बैंक क्या मुफ्त में करेगी? नहीं करेगी। बैंक क्या बोलेगी, भैया हम भी कमीशन लेंगे, अगर हम आपका कोई काम कर रहे हैं तो हमें कुछ कमीशन जरूर से देना पड़ेगा। तो आपने बोला हाँ भैया दे देंगे, कोई इश्यू नहीं अपने को, ठीक है। तो ये क्या के? इसे बोलते हैं भैया बिल्स, इसे बोलते हैं, थोड़ा सा जूम करके लिख लेता हूं, इसे बोलते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीएससी बोलते हैं इसे। दूसरी चीज होती है, एक और चीज क्या हो सकती है, एक और चीज बेटा ये हो सकती है कि अनुराग के पास अभी बिल है, अनुराग के पास क्या है भैया, बिल है, ठीक है। 3 महीने के बाद उसको पैसा मिलेगा, 3 महीने के बाद अनुराग को पैसा मिलेगा, बट 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद अनुराग को याद आया, आई ला मेरी जो गर्लफ्रेंड नंबर टू है, मेरी जो गर्लफ्रेंड नंबर टू है उसका तो बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, देखा पैसे नहीं है, याद आया अचानक से, प्रतीक प्रतीक सर ने दिया हुआ था बिल मेरे पास, तो वो बिल है मेरे पास, बट यार अभी भी 2 महीने के बाद मेरे को वो पैसा देंगे, मैं क्या करूं। उसने सोचा, उसने बैंक को कॉल किया, मेरे पास एक बिल पड़ा है, मेरे को 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, बट मुझे अभी पैसा चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? बैंक ने बोला हाँ दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप वो बिल हमें दे दीजिए, हम उस पर्सन से पूरा का पूरा पैसा हम ले लेंगे और आपको अभी हम पेमेंट कर देंगे। बट बैंक ने बोला एक मिनट सुनो, कितने का बिल है? 3,000 का बिल है भाई। तो बैंक ने बोला हम आपको 2,700 रुपए देंगे, 300 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट यानी कि इंटरेस्ट ही हुआ कि 2 महीने के बाद उनको पेमेंट मिलेगा। तो भैया 2 महीने तक हम जो होल्ड करेंगे और आपको पेमेंट कर देंगे तो 2 महीने का हमें इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बोलता है डिस्काउंट। तो हम 300 रुपए का डिस्काउंट काट के तुम्हें 2,700 रुपए देंगे। आपने बोला हाँ ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मेरे को पैसा चाहिए, मैं आपको बिल दे देता हूँ, अब ये बिल से कलेक्ट करना पैसा आपका पूरा का पूरा 3,000, मुझे अभी 2,700 दे दो। इसे बोलते हैं भैया डिस्काउंट करवाना। तो अनुराग के पास एक और ऑप्शन है, अनुराग एक और चीज क्या कर सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है, डिस्काउंट ऑफ बिल। अभी तक हमने देखा कि अनुराग क्या क्या चीजें कर सकता है, अनुराग 3 चीजें अभी तक हमने देखा। सबसे पहला रिटेन अपने पास रख सकता है, 3 महीने हो गए, प्रतीक भैया को कॉल करेंगे, पैसे आ जाएंगे, बात खत्म। दूसरी चीज बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर उसके पास काफी सारे बिल आते हैं उसको याद नहीं रहता, वो बैंक को भेज देगा, वो क्या करेगा बेटा, वो बैंक को भेज देगा और बैंक को बोलेगा भैया जब भी मैच्योर हो जाए ये सारे बिल, जैसे जैसे मैच्योर होते जाए आप कलेक्ट करते रहना, उसे बोलते हैं बीएससी यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तीसरी चीज, उसको अगर इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बैंक को बोलेगा मुझे ना कुछ पैसा डिस्काउंट काट के मुझे अभी पैसा दे दो, क्योंकि मुझे अभी पैसों की जरूरत है। बिल की मैच्योरिटी के ऊपर आप क्या करोगे, उस सामने वाले पर्सन से बिल को डिस्काउंट करवा के पैसे ले लेना। ये 3 चीजें करते हैं। फोर्थ चीज, अगर अनुराग ने भाई ठीक है, अनुराग को पेमेंट करना था, अनुराग को किसको पेमेंट करना था, प्रशून को पेमेंट करना था, किसको पेमेंट करना था, अनुराग को भैया पेमेंट करना था प्रसून को। अब देखो, अब यहां पे आते हैं, कौन प्रसून, ठीक है। अब प्रसून को पेमेंट करना है तो अनुराग ने कॉल किया, प्रसून ने कॉल किया, भाई पेमेंट कब दे रहा है, जल्दी से दे दे यार, पैसे की जरूरत है। अनुराग ने बोला एक मिनट रुको, देखो अभी तो पैसे है नहीं बट मैं 3 महीने के बाद दे दूंगा। ये बोला गारंटी क्या है, गारंटी वारंटी छोड़, मैं तेरे को बिल दे रहा हूं, किसी ने एक्सेप्ट किया है जो मेरे को पेमेंट करने के लिए रेडी है, वो बिल मैं तेरे को दे देता हूं, जैसे ही 3 महीने हो जाए तो उस बंदे के पास जाना और पेमेंट ले लेना, तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा। समझ में आया बात को? तो अनुराग ने क्या किया, उस बिल को दे दिया प्रसून को, प्रसून को बोला कि भैया तुम जाना उस बंदे से पैसे ले लेना। प्रसून को अभी तक बनक ही नहीं थी ये बिल किसका है, और वो उसी अंदाज में उसी तरीके से खुश चल रहा था कि भैया पैसे आने वाले। जैसे अनुराग ने बिल दिया प्रसून को बिल रिसीव हुआ, उसने देखा इल्ला इसमें तो प्रतीक सर का नाम लिखा हुआ है। प्रसून ने तुरंत कॉल किया, भाई नसेड़ी, अरे सुन नसेड़ी, तूने ये किसका बिल दे दिया भाई, वो पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उन सर से मैं कैसे पैसे मांगू भाई, मेरे को तो आपने ना फंसा दिया भाई,
प्रसून ने बोला ठीक है, अनुराग ने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो दे देंगे, टेंशन मत लो, दिल के अच्छे इंसान है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बस, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग ने बोला कि भैया पैसे मिल जाएगा, तू टेंशन मत लिए, ठीक है, अगर पैसे नहीं मिलते तो मेरे पास वापस आना, उसका तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट एक काम कर, अभी के लिए बिल रख, 3 महीने के बाद उनके पास जाना और तू पैसा ले लेना, ठीक है। तो भैया इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। थोड़ी सी जगह रखनी थी मेरे को, इधर 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 जगह रखते हैं, इसे बोलेंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलेंगे बेटा, एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलेंगे इसे अपन, ठीक है। अब देखो ये जब एंडोर्स हुआ, किसको हुआ भैया, अनुराग को, आज ना अनुराग थोड़ी ना, प्रशून को एंडोर्स हुआ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब ये बिल एंडोर्स हुआ, मतलब अनुराग ने प्रसून को दिया, इस केस में जिसने बिल दिया उसे बोलते हैं एंडोर्सर। तो बिल किसने दिया, अनुराग ने दिया प्रसून को, तो अनुराग क्या हुआ, एंडोर्सर हुआ। क्या हुआ बेटा, ग्रीन से ही लिखूंगा ताकि आपको ग्रीन वाला ट्रांजेक्शन ग्रीन से समझ में आ जाए, इसे बोलेंगे बेटा एंडोर्सर, ठीक है, ओके। तो प्रसून को क्या बोलेंगे, प्रसून को हम बोलेंगे एंडोर्सी, प्रसून को बोलेंगे एंडोर सी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है बेटा, मुझे बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, अभी तक की चीजें समझ में आई। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रेड से, प्रसून, और ये जो है मुझे ब्लू से कर, क्योंकि ट्रांजेक्शन को मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला ट्रांजेक्शन में ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, नेम में सिर्फ रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। यहां पे क्या हुआ, एंडोर्स। अब मुझे ये बताओ, इस ट्रांजेक्शन के लिए जो एंडोर्समेंट हुआ, इस ट्रांजेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं कि यहां पे बेटा एंडोर्समेंट के ट्रांजेक्शन के लिए कौन पर्सन है जो डेटर है और कौन क्रेडिटर है, अगर मैं बात करूं अनुराग डेटर है कि प्रसून डेटर है, आपको क्या लगता है, अनुराग और प्रसून में एंडोर्समेंट के केस में डेटर कौन है भैया? सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेटर अनुराग है, क्योंकि अनुराग को पेमेंट करना है, इसीलिए तो उसने प्रसून को क्या दिया, बिल दिया। तो अनुराग इस केस में क्या है, डेटर है, और प्रसून क्या है, क्रेडिटर है। क्या ये चीज आपको दिमाग में घुस रही है, इसे क्या कहेंगे भैया, डेटर, इसे क्या कहेंगे बेटा, क्रेडिटर, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है कि पहले वाला जो ट्रांजेक्शन है ब्लू वाला, मतलब प्रतीक और अनुराग के बीच में, उसमें प्रतीक डेटर है, अनुराग क्रेडिटर है। अनुराग और प्रसून के बीच में अनुराग को पेमेंट करना है, अनुराग इज अ डेटर और प्रसून इज अ क्रेडिटर। एकदम से बढ़िया, समझ में, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए इतने चीजें समझ में आ गई, यानी कि चौथी चीज अनुराग क्या कर सकता है, अनुराग कर सकता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या करेंगे भैया, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है, क्या करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे भाई। तो यहां पे अगर अपन देखने जाए, अगर हम यहां पे देखने जाए, अभी तक हमने क्या क्या चीजें, अभी तक हमने देखा एक ट्रांजेक्शन जिसमें अनुराग को पेमेंट लेना था प्रतीक से, प्रतीक बना था बायर, अनुराग था सेलर, अनुराग यहां पे था क्रेडिटर, प्रतीक था डेटर, बिल ड्रॉ किया अनुराग ने तो वो बना ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया उसे बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है। इसमें पेमेंट किसको मिल रहा है, अनुराग को, तो अनुराग क्या बनेगा, पेई, जिसको पेमेंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, पे। चलो ये था ब्लू वाला ट्रांजेक्शन। फिर हमने देखा कि भैया अगर अनुराग ने एंडोर्स किया
तो उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्स किया यानी अनुराग को पेमेंट करना था, किसको? प्रशून को। इस केस में अनुराग क्या है? अनुराग है एंडोर्सर। जिसने एंडोर्स किया वो बोलता है, वो होता है एंडोर्सर। जिसको मिला वो होता है एंडोर्सी। अनुराग को पेमेंट करना था यानी वो क्या है भैया? डेटर। प्रशून क्या है यहाँ पे? क्रेडिटर। ठीक है, आ जाइए। और प्रशून इस केस में पेई भी बनेगा, क्योंकि पेई का मतलब क्या होता है? जिसको पैसा मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं। मतलब इस केस में एंडोर्स करने के बाद ये बिल का पेमेंट किसको मिलेगा? बिल का पेमेंट मिलेगा प्रशून को, क्योंकि प्रशून जाएगा प्रतीक के पास और प्रतीक का बोलेगा मेरे को पैसा दे दे। तो यहाँ पेई क्या होगा भैया? पेई वो होगा जिसको पैसा मिल रहा है। तो अगर मैं अपन बात करूं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले वाला मैं यहाँ पे लिखता हूं ड्रॉवर। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। जिसने बिल ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉई, जिसने ड्रॉई क्या होता है? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, क्या होता है भैया? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दैट इज पेई। पेई का मतलब क्या होता है? जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है, जिसको पैसा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? पेई। अब बात करते हैं एंडोर्सर। एंडोर्सर जिसने एंडोर्स किया, जिसने, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। एंडोर्स किया, ठीक है। एंडोर्सी का मतलब होता है एंडोर्सी, जिसको एंडोर्स किया, मतलब जिसको एंडोर्स बिल वाला मिला, जिसको एंडोर्स किया, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें हमने लिख दी, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 2-5 मिनट का, आप जल्दी से जल्दी इतनी वाली चीजें लिख लीजिए और लिखने के बाद मुझे बताइए डन डना डन, तो मैं क्या करता हूँ आगे वाली चीजें आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाऊंगा, थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ, लिख लीजिए भाई। लिखने के बाद मुझे बताइए डंडनाडन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हेडिंग डालिए, ये आपका रिवीजन नोट ही मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका रेगुलर और रिवीजन दोनों में उसी तरीके से बनाऊंगा कि आपको अलग से रिवीजन नोट में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको इस ट्रांजेक्शन में समझ में नहीं आ रहा कहीं पे भी कोई भी चीज में, तो आप मुझे पूछ सकते हो।
श्योर बेटा, देखो एंडोर्स सर का मतलब ये होता है कि जिसने बिल को एंडोर्स किया। अब एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि अनुराग को, प्रसून को पेमेंट करना था, तो अनुराग ने क्या किया, मैं तेरे को पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को बिल दे देता हूं, तो उस बिल से प्रतीक से पेमेंट ले लेना। हम ऐसा नहीं कहते, देखो अब प्रसून को पैसा लेना होता है तो अनुराग को पेमेंट देना है, तो अनुराग को देना है तो अनुराग क्या बोलता है कि काम करना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को प्रतीक से लेना है, तू डायरेक्ट प्रतीक से ही ले ले। ऐसा जो हवाला पढ़ते हैं ना उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। तो यहाँ पे अनुराग क्या करेगा, अनुराग बिल दे देगा प्रशुन को कि ये ले भाई तू बिल रख, और जैसे ही 3 महीना खत्म हो जाए तू प्रतीक से जाके पेमेंट ले लेना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उससे पेमेंट लेना है, तो तू मेरे से ले, मैं प्रतीक से लूं, और फिर तेरे को तू बेटर चीज है तू डायरेक्टली प्रतीक से ले ले, ये ले बिल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। यानी यहाँ पे बिल कौन दे रहा है, अनुराग दे रहा है, किसको दे रहा है, प्रशून को दे रहा है। तो अनुराग है एंडोर्सर, जो काम करता है ना उसके पीछे ईआर आता जाता है, ठीक, मतलब एंडोर्स ओआर बोलते हैं, ठीक है, मतलब एंडोर्सर, और जो जिसके ऊपर काम हो रहा है या जिसके लिए हो रहा है उसको बोलते हैं एंडोर सी, ठीक है। जैसे कि ड्रॉवर, तो ड्रॉ जो कर रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको बोलते हैं, डबल ई आएगा पीछे तो ड्रॉई, ठीक है। अगर याद रखना है तो इसी तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूँ, एंडोर्सर अनुराग दे रहा है इसलिए, प्रशुन को मिल रहा है इसलिए एंडोर सी प्रशुन बन जाएगा। यहाँ पे पैसे किसको लेने हैं, प्रशुन को, इसलिए वो क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। और डेटर कौन है, अनुराग है। प्रशुन को क्या मिलेगा भैया, प्रशुन को पेमेंट मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, पेई, ठीक है। तो देखो अगर आप देखने जाओगे बेटा, अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आप बोलोगे भैया आपने ना अनुराग में क्रेडिटर भी लिखा है और अनुराग में आपने डेटर भी लिखा है, बट दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए। ये ब्लू वाला ब्लू ट्रांजेक्शन के लिए लिखा है इसलिए मैंने अलग लाइन से किया, और ग्रीन वाला ये एंडोर्समेंट के ट्रांजेक्शन के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो अनुराग डेटर और क्रेडिटर किस ट्रांजेक्शन के लिए क्या है वो मैंने इसलिए अलग अलग पेन से लिखा है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो भैया आ जाइए, रेडी हो गया, डंडना डन। एक बार बता दो तो मैं आपको कुछ चीजें इसमें और पूछने वाला हूं, अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। बताओ बेटा, पूछे क्वेश्चन, पूछे आपको। अब क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रतीक। आपको कमेंट जल्दी से जल्दी करना है, देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रतीक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रतीक, बताओ कौन सा रिलेशन है भैया, क्रेडिटर डेटर का, क्रेडिटर डेटर का रिलेशन है। गुड मॉर्निंग बेटा, कौन सा रिलेशन है, क्रेडिटर डेटर का रिलेशन है, हाँ भैया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा पूछते हैं, दूसरा पूछे
अभी आप, हाँ चलो आपका आंसर सही है, आपका आंसर भी सही है। मेरा पूछने का पर्सपेक्टिव है कि भैया आपका रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं पूछ रहा हूँ कि डेटर क्रेडिटर के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आपको बताना भूल गया, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको कैसे पूछ रहा हूँ, क्रेडिटर डेटर, डेटर क्रेडिटर के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, आपको उस हिसाब से रिलेशन मेरे को बताना है। आपका आंसर भी सही है, मैंने थोड़ा क्लैरिफाई नहीं किया था, अब मैंने कर दिया, ठीक है? डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर के हिसाब से आपको आंसर देना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रतीक? इट्स अ क्रेडिटर एंड डेटर, ठीक है? ओके, सही। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रशून? बता, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रशून? प्रशून, वाह, तीन तोपों की सलामी, स्टूडेंट टीचर मेरे को बताए, कॉमेडी करने के लिए रखा, ठीक है? बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रशून? क्या होगा भैया? क्रेडिटर एंड, सॉरी, डेटर एंड क्रेडिटर होगा, डेटर एंड क्रेडिटर होगा भैया। क्या आंसर आएगा? डेटर एंड क्रेडिटर। प्रशून के अलावा कोई और भी आंसर दे रहे हो भाई, जल्दी से दीजिए। क्या रिलेशन होगा बेटा? डेटर एंड क्रेडिटर। मैं डेटर क्रेडिटर के फॉर्म में पूछ रहा हूं, मैं पहले भी बता दिया, डेटर क्रेडिटर के फॉर्म में पूछ रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? डेटर एंड क्रेडिटर। एक और पूछूं, एक और पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? अब देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो जिसका पहला नाम है उसका रिलेशन पहले लेंगे। पहले मैंने पूछा अनुराग एंड प्रतीक, तो अनुराग क्या है? क्रेडिटर। प्रतीक क्या है? डेटर। तो इसके रिलेशन में आंसर आना चाहिए क्रेडिटर डेटर। अगर आप डेटर क्रेडिटर लिखोगे तो आंसर गलत होगा भाई, समझ में आया बात को? मैं बोला अनुराग प्रतीक, तो अनुराग क्या है? क्रेडिटर। तो पहले क्रेडिटर लिखेंगे फिर डेटर लिखेंगे, क्योंकि अनुराग एंड प्रतीक, तो क्रेडिटर एंड डेटर, इस तरीके से बोला जाता है भाई। फिर मैंने पूछा अनुराग एंड प्रशून, तो अनुराग क्या है? डेटर है, तो पहले डेटर लिखेंगे, और प्रशून क्या है भैया? क्रेडिटर है, तो फिर क्रेडिटर लिखेंगे। अनुराग एंड प्रशून, डेटर एंड क्रेडिटर, इस तरीके से आपको आंसर देना होगा, मतलब जिसका नाम पहला उसका रिलेशन पहला लिखने का। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रतीक एंड अनुराग? अब बताइए, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रतीक एंड अनुराग? अब आपको आना चाहिए भैया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग, प्रतीक एंड अनुराग। प्रतीक पहले बोल रहा हूं फिर अनुराग बोल रहा हूं, बताइए क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है, डेटर एंड क्रेडिटर होगा, समझ में आया? अगर अनुराग एंड प्रतीक पूछता तो अलग, प्रतीक एंड अनुराग पूछ रहा हूं तो भी आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, फिर अपन पूछ रहे बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड, प्रशून एंड अनुराग? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड अनुराग? अब बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड अनुराग? पहले प्रशून बोल रहा हूं, तो प्रशून क्या है? क्रेडिटर है। बाद में क्या है? अनुराग है, तो वो डेटर है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा? क्रेडिटर डेटर आपका क्या आएगा भैया? क्रेडिटर डेटर आएगा, एकदम से समझ में आ रहा है, बहुत तगड़ी तरीके से, इजीली। चलो अब ट्विस्ट करते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड प्रतीक? अब मजा आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड प्रतीक? बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रशून एंड प्रतीक? प्रशून एंड प्रतीक, बताइए। हाँ, एक बात बताऊं, देयर इज नो क्रेडिटर डेटर रिलेशन बिटवीन प्रशून एंड प्रतीक।
there is no creditor debtor or debtor creditor relationship between Prashun and Pratik. भैया प्रशुन और प्रतीक का तो कोई लेना देना ही नहीं है. प्रशुन पैसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके पास बिल है. बाकी क्या प्रतीक ने प्रशुन से परचेज किया था या प्रशुन ने प्रतीक को बेचा था? कुछ भी नहीं भैया. कोई भी रिलेशन यहाँ पे दोनों के बीच में क्रेडिटर डेटर का नहीं है. और क्या प्रतीक प्रशुन का नाम उसके उसके बुक में लिखा होगा? नहीं लिखा होगा भाई. वैसे तो क्या होगा, देखो अब अनुराग ने बिल दिया प्रशुन को, तो प्रतीक को फिर चेंज करना पड़ेगा. आई ला मेरे को प्रशुन को अनुराग को देना था, अब मेरे को प्रशुन को देना. फिर नाम हटाएगा, फिर प्रशुन का आएगा. प्रशुन बोलेगा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है, ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है तानिया. ठीक है, प्रशुन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तानिया है, उसने मेरे को बताया था मैसेज करके. ठीक है, एडमिशन लेते पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है तानिया, तो अब मैं अपने बैंक अपने बैलेंस में फिर प्रशुन को हटाऊं, तानिया लिखूं? नहीं भैया, मैं तो बिल्स पेबल से ही लिखूंगा. मतलब प्रशुन और प्रतीक का कोई भी डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रशुन एंड प्रतीक. ठीक है, तो उसमें कोई भी डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता है. क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? अगर आपको अब एग्जाम में पूछते हैं, अब एग्जाम में ये पूछते हैं बेटा कि आपका कैसा कैसा किसका कौन सा रिलेशन है, तो आई होप आप लिख पाओगे. यस नो, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए तब इसको लिख ले बेटा एक बार, ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए. आ जाइए बेटा, अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे. ठीक है, नीचे अपन लिखेंगे. अब देखो मैं यहाँ पे नाम ही लिखने वाला हूं, रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के बारे में अपन लिख रहे हैं. सबसे पहला क्या लिखते हैं भैया? सबसे पहला हम लिखते हैं, पहले लिख लेते कौन सा, अनुराग एंड प्रतीक. सबसे पहले लिखते हैं अनुराग एंड प्रतीक. पहले का आंसर बताइए क्या लिखूं मैं, पहले का आंसर बताइए क्या लिखूं मैं, पहले का आंसर बताइए क्या लिखोगे. सुपर, क्या आएगा पहला? पहला आएगा भैया आपका, आएगा क्रेडिटर एंड डेटर. क्रेडिटर एंड डेटर. दूसरा क्या आएगा भैया? दूसरा आपका आएगा डेटर एंड क्रेडिटर. सुपर. तो फिर सर प्रतीक एंड प्रशुन में कौन सा रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ बिल जाके पेमेंट लेने वाला है, पेयर पे ही आप बोल सकते हो. बाकी अगर डेटर क्रेडिटर का रिलेशन कोई भी नहीं है बेटा. ठीक है, चलो थर्ड वाला लिखते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनुराग एंड प्रशुन? एक काम करो आप साथ साथ में लिख ही दो, मेरे साथ लिख ही दो, लिख ही दो. यहां पे आएगा प्रशुन एंड अनुराग. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या आंसर आएगा भैया? अनुराग एंड प्रशुन का, ये एंडोर्सी वाला है, तो अनुराग क्या है भैया? डेटर है. तो यहाँ पे आएगा डेटर एंड क्रेडिटर. ठीक है,
प्रशुन और अनुराग का कौन सा है भैया? प्रशुन क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर। एंड डेटर, ठीक है। और फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला मैं लिखूंगा प्रशुन एंड प्रतीक, ठीक है। और उसके आंसर में अपन क्या लिखेंगे? नो डेटर क्रेडिटर रिलेशंस, ठीक है। लिख दीजिए बेटा सेकंड डेटर क्रेडिटर। हाँ भैया चलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको इजी लग रहा है ना? मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं, ठीक है। एकदम से इजी वे में समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और एक एक चीज को मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। बेसिक अपना अगर स्ट्रांग होगा ना तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब स्लो चलता हूँ, क्वेश्चन में भैया फिर स्पीड में चलते हैं, क्योंकि बेसिक जो है उसी के ऊपर से क्वेश्चन है। लोगों की गलती क्या है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सीधा प्रैक्टिकल पे कूद पड़ो। अरे भाई यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊपर वाला ट्रांजेक्शन ही नहीं समझा तो आप बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल कैसे समझोगे बबुआ? फिर क्वेश्चन में तो क्या होता है भाई, जर्नल एंट्री होती है। एक बार जर्नल एंट्री बता दो कि ये इसका ये होता है, इसका ये होता, बात खत्म। बाकी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हटके होता है। चलो भैया लिख लिया तो बताइए डंडनाडन। लिख लिया, ओके। चल एक और चीज मुझे आपको लिखवानी है, ठीक है। अभी मैं जो जो चीज मैं लिखवाने वाला हूं, मतलब अभी मैं जो आपको लिखवाने वाला हूं, वो भैया आपको अभी समझ में नहीं आएगी। पहली बात, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट मैं जब आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। आई ला भैया ये कहना चाहते थे, हाँ अभी समझ में आ गया। तो अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ उसे आपको लिख देना, ठीक है। आपको लिख देना है, दिमाग नहीं दौड़ाओगे, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, क्यों? क्योंकि आपको आगे समझ में आएगा। बट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जब आप रिविजन करोगे तो पहले पेज पे अगर ये चीज लिखी होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं पहले या दूसरे पेज आप जहां पे भी लिख रहे हो वहां पे मैं लिखवाना चाहता हूं। नोट करके लिख दीजिए भैया, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई। ये जो नोट है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत 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 काम की चीज है भाई। आ जाइए, और ये नोट क्या है? आ जाइए, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन कैन कैंसल एट सेम अमाउंट विथ विच It was created, ठीक है। Can cancel at, can cancel at same amount with which it was created। इसका मैं मीनिंग समझा देता हूं। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन उसी अमाउंट से कैंसिल होगा जिस अमाउंट से वो बिल बना था, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया, सिर्फ मैं क्या कहना चाहता हूं, ओके। बिल्स रिसीवेबल आपके पास कब होगा? जब आप क्रेडिटर होंगे, जब आपको किसी से पैसा लेना है। बिल्स पेएबल आपके पास कब होगा? जब आपको किसी को पेमेंट करना है, ठीक है। आप पे, आपको पे करना है, आप क्या हो? डेटर हो। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, आपके पास बिल्स रिसीवेबल था, आपने बैंक को भेजा, बैंक को बोला भैया तू कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहता कब मेरे को कलेक्ट करना है। और ये तीनों चीज जितनी अमाउंट से क्रिएट हुआ उतनी अमाउंट से ही क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपके पास है बिल्स
रिसीवेबल आपको पैसा मिलना है कितना 5,000। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया एक काम करो, मैं आपको ना जो सामने वाला पर्सन है मतलब अनुराग है, ठीक है, अनुराग के पास क्या है बिल्स रिसीवेबल, प्रतीक के पास क्या है बिल्स पेएबल, मैं कॉल करके बोलूंगा अनुराग को कि 3,000 लेने थे ना, चलो वही ट्रांजेक्शन रखते 3,000। मैं अनुराग को कॉल करके बोल रहा हूँ एक काम कर अनुराग, ठीक है, मैं तेरे को ना 1,000 रुपए, एक महीने के बाद मैंने कॉल किया, मैं तेरे को 1,000 रुपए भिजवा रहा हूँ, तू इस बिल के बिल को ऊपर जो ना 3,000 को हटा दे और ऊपर 2,000 लिख दे, और मैं तेरे को कितना दे रहा हूँ भैया, मैं तेरे को 1,000 रुपए दे देता हूँ। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिल को आप चेक चाक नहीं कर सकते हो, यानी कि बिल के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिल को कैंसिल करना है तो वो पूरा कैंसिल होगा जिस अमाउंट से बना था, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते भैया अमाउंट चेंज कर दी उसमें चेक चाक कर दी, नहीं भैया, क्योंकि ये लीगली वैलिड नहीं है। आपने देखा होगा अगर चेक में भी कुछ चेक चाक होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता बैंक में, ये भी नहीं होगा। रीजन ये है कि फिर तो क्या होगा, मैंने 3,000 से एक्सेप्ट किया और इस भाई ने 3,000 की जगह 5,000 कर दिया, फिर बोल रहा है कोर्ट में जाएगा, बोलेगा प्रतीक को 5,000 देने थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं बोलूंगा भैया ये देखो इसने कुछ छेड़छाड़ की है ये गलत है, मेरे को तो 1,000 ही देने थे, ठीक है, तो वो प्रूव ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें छेड़छाड़ कभी नहीं होगी, जितने से बना उतने से ही कैंसिल होगा। यही बात आपको समझ में आ रही है बेटा, अभी आपको डेप्थ में नहीं समझ में आएगी, बट जितना बोल रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन कैन कैंसिल एट अ सेम अमाउंट विद विच इट वॉज क्रिएटेड, जिस अमाउंट से वो क्रिएट हुआ था उसी अमाउंट से वो कैंसिल होगा। जब अब आगे अपन जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज मैं आपको यहीं तक सिखाना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सुनते जाओ पहले, नेक्स्ट सेशन में अपन करने वाले हैं बिल्स पेएबल की जर्नल एंट्री, भैया क्या करेंगे बिल्स पेएबल की जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद कल हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल की जर्नल एंट्री करने वाले हैं, क्या करेंगे भैया बिल्स रिसीवेबल की जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं अपन कल पढ़ने वाले हैं, उतना पढ़ाने के बाद हम प्रैक्टिकल के ऊपर मूव होने वाले हैं, ठीक है, शायद उसके बाद भी एक थियरी का सेशन और भी मैं ले लूं, ये थियरी नहीं है पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जर्नल एंट्री सब चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है, तो अभी मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेशन में अपना, कुछ टाइम के बाद इकोनॉमिक्स का सेशन है उसी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करके मेरे को बता सकते हो।